तो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। फाइनली जो है ना, तुम्हारा भाई आ चुका है और न्यू तबाही वीडियो के साथ। तो गाइस, हर बार की तरह आज की वीडियो भी बहुत ही तबाही किस्म की होने वाली है। तो गाइस, थंबनेल और इंट्रो देख के आपको थोड़ा बहुत अंदाजा तो हो गया होगा कि आज की वीडियो किस लेवल तक होने वाली है। गाइस, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, बगैर किसी टाइम जाया के चलते अपनी वीडियो के चैनल में। लेकिन उससे पहले जो है ना, आप सबसे एक छोटी सी ना रिक्वेस्ट है, अगर कोई भाई चैनल पर नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और अपने प्यारे हाथों से जो है ना वीडियो को लाइक लाजमी से कर देना, क्योंकि आपके एक प्यारे से सब्सक्राइब और लाइक से जो है ना हमारी थोड़ी बहुत मोटिवेशन बढ़ जाती है और हमें थोड़ी बहुत सपोर्ट भी हो जाती है। जो भाई चैनल पर नहीं हो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। अभी जो है ना चलते अपने फर्स्ट क्लच की जानिब। गाइस, यहाँ पे जो है ना कुछ इस तरह का सीन होने वाला है कि मेरे सामने वाली जो बिल्डिंग है ना, इसमें पूरी स्क्वाड होती है और तुम्हारा भाई जो है ना इन पर 1v4 करने वाला है। बस जरा इंजॉय करो तुम। गाइस, यहाँ पे जो है ना इस बंदे के मैं फ्री फायर में आ जाता हूँ, जिसकी वजह से मैं 1 HP हो जाता हूँ। यहाँ पे 3 बंदे तुम्हारे भाई ने नॉक कर दिए थे। बाकी गाइस, इनका लास्ट बंदा सीधा ही मुझे पुश कर देता है, मुझे हील करने का मौका ही नहीं मिलता। तो जरा देख लो, तो गाइस यहाँ पे जो है ना इनका लास्ट बंदा जो है ना मुझे नॉक कर देता है। और यहाँ पे जो है ना रिकॉल किस लिए दिया जाता है, रिवेंज लेने के लिए। तो इसलिए तुम्हारा भाई जो है ना यहाँ पे रिवेंज लेके क्लच डन करने वाला है। बाकी गाइस, यहाँ पे जो है ना इसके तीनों टीममेट जो है ना वो नॉक विद फिनिश हो चुके थे और ये लास्ट रह गया था, उसे रिवाइव भी नहीं दे पाया। तो सीधा इस पे पुश करके ना क्लच डन करते हैं। गाइस, यहाँ पे जो है ना ये भाई सुकून से जो है ना लूट कर रहे होते हैं, ये समझ रहे हो कि मैं इससे रिवेंज लेने आऊंगा ही नहीं। तो गाइस, यहाँ पे जो है ना तुम्हारे भाई का 1v4 हो जाता है कंप्लीट। अगर ये 1v4 पसंद आया हो तो एक छोटा सा ना प्यारा सा लाइक और कमेंट कर देना। गाइस, सीधे चलते अपनी सेकंड फाइट की जानिब। और यहाँ पे जो है ना तुम्हारे भाई 1v3 करने वाला है। बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे सिर्फ बंदे ही 3 थे और ये अरबी लोबी थी। गाइस, यहाँ पे पिंग भी काफी हाई चल रही थी और अरबी थे, तो समझ रहे हो ना अरबियों पे जो है ना तुम्हारा भाई 1v3 करने वाला है। इनका चौथा टाइम मेट यहाँ पर नहीं था, तो जरा ये इंजॉय करो। तो गाइस, अगर ये 1v3 पसंद आया हो ना यार, लाइक कर देना। काफी हैवी 1v3 था, चंद ही सेकंड में जो है ना तुम्हारे भाई ने इन तीनों को लिपेट दिया है। और गाइस, अभी जो फाइट निकल कर आने वाली है ना, ये काफी हाई लेवल की फाइट होने वाली है। बिकॉज ऑफ दैट ये खुले में मैदान में फाइट होने वाली है और यहाँ पे जो है ना चारों तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां थी। इंट्रो में भी आपने देखा ही होगा और यहाँ पे पता नहीं कितनी स्क्वाड्स थी और तुम्हारे भाई जो है ना इन सबको पेलने वाला है। बस आपने एंजॉय करना है। गाइस, जैसे यहाँ पे मैं ऊपर आता हूँ, मुझे गाड़ी का साउंड आता है। गाइस, यहाँ पे जो है इस भाई को चलते पे हेड पड़ा है, लेकिन ये कवर में हो जाता है। तो अभी जो है ना जरा एंजॉय करना, चारों तरफ से बंदे ही बंदे होंगे और तुम्हारा भाई सबको पेलने वाला है। बस बहुत सारे गाड़ियों के स्प्रेज वगैरह भी होंगे, मैं वॉइस ओवर नहीं करूंगा, आपने बस जस्ट फाइट एंजॉय करनी है। काफी सारे बंदे होंगे यहाँ पे और मेरे किल्स यहाँ पे चेक कर लो, 0 है। और यहाँ पर शायद 7-8-9 किल्स मैं यहाँ पर निकालने वाला हूँ। गाइस, यहाँ पे आपने देखा होगा कि गाड़ी पे पूरी स्क्वाड थी, एक बंदे को मैंने नॉक कर दिया और बाकियों की भी काफी डैमेज मिल गया। आगे भी पूरी स्क्वाड बैठी थी और इनके आपस में फाइट चलती है। तुम्हारा भाई जो है ना सीधा ही पुश करता है, क्योंकि किल्स तो मेरे थे ना, ये क्यों आपस में मतलब एक दूसरे को किल दे रहे हैं। तो सीधा भाई जो है ना तुम्हारा भाई दोनों स्क्वाडों में घुस जाता है और पता नहीं कौन किस स्क्वाड का बंदा था, बस मैंने जो है ना उन्हें पेलना शुरू कर दिया। बस आपने इंजॉय करना है।
गाइस यहाँ पे जो है ना ये बंदा जो है ना खुद को काफी शाना समझ रहा था, तो इस पे पुश करते हैं। गाइस यहाँ पे इन भाई साहब की चलाकी चेक करो, ये मोली फेंक देते हैं ताकि मैं अंदर पुश ना कर सकूं, लेकिन मुझे तो पता था ना ये सीढ़ियों पर बैठा है, हील कर रहा है, तो सीधा ही मैं भी मोली कर देता हूँ और यहाँ पे ये मोली से फिनिश हो जाता है। गाइस जैसे यहाँ से जो है ना मैं थोड़ी बहुत लूट करके निकलता हूँ, तो सामने जो है ना मुझे गाड़ी नजर आती है और यहाँ पे अपने भाई का स्प्रे जरा चेक करना तुम। गाइस यहाँ पे जो है ना दो बंदे थे, एक बंदे को मैंने नॉक कर दिया है और दूसरे के पास काफी अच्छा कवर था, और यहाँ पे स्मोक डाल के ये अपने दूसरे टीममेट को भी रिवाइव कर देगा और वो भाई साहब जो है ना गुस्से में आ जाते हैं और दोनों अलग अलग गाने लेके जो है ना मुझ पर पुश कर देते हैं। गाइस यहाँ पे जो है मैं सोच रहा था कि मैं खुद ही गाड़ी ढूंढ के ना उन पर पुश कर दूं, लेकिन सामने से मुझे साउंड आते हैं, तो यहाँ पे कार वाले को मैं काफी अच्छा स्प्रे देता हूँ लेकिन वो बच जाता है। अभी जो है ना वो दो बंदे जो है ना अलग अलग गाड़ियों पर मुझ पर पुश करने वाले हैं। ओ भाई साहब यहाँ पे जो है ना ये मुझे 1 HP कर देता है, मैंने भी इसे 1 HP किया है, लेकिन तुम्हारा भाई जो है ना इसे फिनिश तो देने वाला है, ये बात नहीं है कि मैं इसे छोड़ दूंगा। गाइस यहाँ पे जो है ना एक और स्प्रे पसंद आया हो तो यार लाइक कर देना, बाकी जो है ना इन दोनों टीममेट को तुम्हारा भाई जो है ना लॉबी पहुंचा देता है। अभी जो चलते हैं अपने हॉट ड्रॉप की जानिब। गाइस यहाँ पे ऑलमोस्ट आधी लॉबी जो है ना मिड स्टैंड में आ चुकी थी, तो समझ रहे हो ना काफी हैवी हॉट ड्रॉप होने वाला है, आपने बस इंजॉय करना है। गाइस यहाँ पे जो है ना ये बंदा खुद को स्नाइपर किंग समझ रहा होता है और मुझे कार 98 से फिनिश करने वाला था, उससे पहले जो है ना मैंने इसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है। अभी जो है ना आगे बंदों को मारते हैं।
गाइस यहाँ पे जो ना आके कैंप पर जो है ना कैंप करके बैठे थे और यहाँ पे उसने मुझे काफी डैमेज दे दिया है और अभी जो है ना मैंने मारने वाले हैं। गाइस यहाँ पे जो है ना इन भाइयों को खत्म करने के बाद तुम्हारा भाई जो है ना हॉट ड्रॉप भी क्लियर कर देता है। अभी जो है ना गाड़ी लेके दूसरे बंदों की तलाश में निकलते हैं। और गाइस वहां पे जो है ना हॉट ड्रॉप क्लियर करने के बाद तुम्हारा भाई सीधा गाड़ी लेकर यहाँ पर आ जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है ना काफी सारे बंदे थे, तो फाइट इंजॉय करो। गाइस यहाँ पर थी पूरी स्क्वाड और तीन बंदे तुम्हारा भाई कर देता है नॉक। बाकी जो है ना जोन काफी डैमेज दे रहा था, मैं सोच रहा था कि उन्हें जल्दी जल्दी से किट लगा लूं, लेकिन बदकिस्मती से लास्ट बंदा जो है ना मुझे फिनिश कर जाता है। और गाइस यहाँ पे जो है ना तुम्हारे भाई का 13 किल्स के साथ प्रोग्राम बढ़ जाता है। आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।